नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन में आपके साथ हूं मुमल शेखावत। मैं लेकर आई हूं बॉलीवुड की चटपटी खबरें। प्यार में मिले धोखे पर दीपिका का झलका दर्द, कहा मैंने कभी धोखा नहीं दिया। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण आज यानी 5 जनवरी को अपना 35वां जन्मदिन मना रही है। फेस के सामने हमेशा हैप्पी दिखने वाली एक्ट्रेस अपने अंदर बहुत सा दर्द छिपा कर रखती है। जब उन्हें प्यार में मिला धोखा, उस वक्त दीपिका पूरी तरह टूट चुकी थी। इस बात का खुलासा उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था। बॉलीवुड की खूबसूरत हसीना दीपिका पादुकोण एक शानदार अदाकार है। एक्टिंग के साथ साथ वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रही। वैसे तो दीपिका अपने पति रणवीर सिंह के साथ बेहद खुश है, लेकिन उस वक्त जब उनका दिल रणवीर कपूर ने प्यार में गिरफ्त में था, तब रिश्ते में धोखा नहीं मिला, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार तक हो गई। बात का जिक्र दीपिका ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। इस प्यार में दीपिका को धोखा मिला, दीपिका ने बिना किसी का नाम लिए एक इंटरव्यू में अपना ब्रेकअप पर बात करते हुए कहा, मेरे लिए भावना एक अहम है। मैं जब भी किसी के साथ रिश्ते में रही, कभी धोखा नहीं दिया, नहीं बातें छुपाई। उसके बाद भी कोई मुझे धोखा देता है तो मैं उस इंसान के साथ कैसे रिलेशनशिप में रह सकती हूँ। ऐसे इंसान के साथ रहने से अच्छा है मैं सिंगल रहूं। टूट गया था दीपिका का यकीन। दीपिका ने आगे बताया, उस समय मैं बहुत बेवकूफ थी। रंगे हाथों पकड़ने के बाद भी मैंने उसे एक और मौका दिया। उस वक्त मेरे अंदर बहुत ही बातें चल रही थी। जब उसने पहली बार मुझे धोखा दिया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद हमारे रिश्ते में कोई कमी है, लेकिन मैं गलत थी। धोखा देना किसी की फितरत हो तो यही कहा जाएगा। धोखा किसी की मजबूत रिश्ते को खत्म कर देता है। जानवी कपूर ने मुंबई में खरीदा नया घर, लाखों में नहीं करोड़ों में है कीमत। बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर इन दिनों में गोवा में वैकेशन एंजॉय कर रही है। इसी बीच उसे जुड़ी एक खबर सामने आ रही है जो उनकी प्रोफेशनल लाइफ नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई है। खबर यह है कि एक्ट्रेस ने मुंबई में जुहू में अपने लिए एक प्रॉपर्टी खरीद ली है। जानवी का बॉलीवुड कैरियर अभी तक कुछ खास लंबा नहीं है, लेकिन इतने में ही कम सालों में ही जानवी ने अपने नाम पर घर कर लिया है। उस घर की कीमत इतनी ज्यादा है कि वो सुनकर आपके तो होश ही उड़ जाएंगे। जानवी ने जो घर खरीदा है उनकी कीमत 39 करोड़। खबर के मुताबिक एक्ट्रेस के घर में 3 फ्लोर है। उनका एक घर 3,456 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। जानवी ने ये डील 7 दिसंबर को ही फाइनल कर ली थी। खबर के मुताबिक घर के लिए एक्ट्रेस ने 78 लाख रुपए की स्टाम्प ड्यूटी भी चुकाई है। आपको बता दें कि जानवी ने साल 2018 में शांक खेतान की फिल्म धड़क से डेब्यू किया था। इस फिल्म ने उनके साथ शाहिद कपूर के भाई ईशान खट्टर की भी लीड रोल थे। इसके बाद जानवी इसी साल नेटफ्लिक्स की फिल्म घोस्ट स्टोरीज में नजर आई। आखिर बार एक्ट्रेस गुंजन सक्सेना दे कारगिल गर्ल में नजर आई थी। लॉकडाउन की वजह से ये फिल्म बड़े पर्दे की जगह नेटफ्लिक्स पर ही रिलीज हुई थी। धर्म परिवर्तन कर निकाह करने पर उर्मिला मातोंडकर ने दिया करारा जवाब। कंगना रनौत ने कहा था, तज उर्मिला मातोंडकर और कंगना रनौत के बीच विवाद थमता ही नहीं दिख रहा है। पहले कंगना ने उर्मिला के प्रॉपर्टी खरीदने पर निशाना साधा था, जब उन्होंने उन पर धर्म परिवर्तन को लेकर तंज कसा है। हालांकि उर्मिला भी चुप बैठने वालों में से नहीं थी और वीडियो साझा कर करारा जवाब दिया। दरअसल उर्मिला ने अपनी प्रॉपर्टी को लेकर जो सफाई दी, वो उस वीडियो के आखिर में वह कहती है, गणपति पप्पा मौर्या। साथ ही उन्होंने कैप्शन में भी यही लिखा। इसी पर कंगना ने ट्वीट करके कहा, अच्छा लगा कि आपने अपनी मेहनत से घर लिया, बहुत शुभकामनाएं। आपको सुना है आपने निकाह के लिए परिवर्तन किया है, फिर भी गर्व से गणपति जी की जय कहती है। बच्चन की नाती नविया नंदा से शादी करना चाहता है अभिनेत्रा। इंटरव्यू में कहा था खुलासा, अमिताभ बच्चन की तरह ही उनका परिवार भी हमेशा सुर्खियों में रहता है। उनके बेटे अभिषेक बच्चन एक अभिनेत्रा है, जबकि उनकी बेटी श्वेता बच्चन नंदा का बॉलीवुड से कोई वास्ता नहीं है। हालांकि श्वेता की बेटी और बिग बी की नाती नविया नवेली को लेकर हमेशा बाजार गर्म रहता है। इनकी तस्वीरें और वीडियोस अक्सर वायरल होते रहते हैं। जावेद जाफरी के बेटे मिजाज जाफरी के साथ
उनका नाम जोड़ा जाता है। मिर्जा जाफरी और नव्या नंदा काफी अच्छे दोस्त हैं और दोनों के डेटिंग की खबरें भी कई बार आ चुकी है। कहीं जगह ये भी कहा जा रहा है कि मिजाज और नव्या रिलेशनशिप में हैं। एक इंटरव्यू के दौरान मिजाज ने कहा था कि ये नव्या से शादी करना चाहते हैं। दरअसल एक इंटरव्यू में मिजाज से पूछा गया, हुकअप और मारने के लिए किसे चुनना चाहोगे? इसके लिए मिजाज ने सामने नव्या नवेली, नंदा सारा, अली खान और अनन्या पांडे का नाम रखा है। इन खबरों में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।